विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे वर्ग लंबाई और मध्य मूल्य ज्ञात करने का। इसके पहले की वीडियो में हमने आवृत्त चिन्ह लगाने के लिए पढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद ही हमारा टॉपिक बनता है वर्ग लंबाई ज्ञात करने का। कि जैसे कोई भी सवाल दिया गया हो तो अपने को वर्ग लंबाई कैसे पता करेंगे या फिर उसका मध्य मूल्य अपने कैसे ज्ञात करेंगे। तो वर्ग लंबाई के लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे होता है वर्ग लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है कि जैसे ये हमारी ये संख्या है आधा सीमा इसको बोला जाता है और इसको बोला जाता है उर्ध सीमा। यानी जो भी हमारा वर्ग दिया होता है उसकी पहली संख्या को आधा सीमा और दूसरी संख्या को उर्ध सीमा के नाम से जाना जाता है। अगर वर्ग लंबाई अपने को ज्ञात करना है तो सबसे बड़ी संख्या जैसे विस्तार ज्ञात करने के लिए बताया गया होगा कि विस्तार r बराबर होता है rh माइनस rl, तो वैसे यहाँ पे वर्ग लंबाई ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना पड़ेगा, मतलब उर्ध संख्या में से उर्ध सीमा में से आधा सीमा को माइनस करना पड़ेगा। जैसे ये संख्या है, ये हमारी 20, ये संख्या उर्ध सीमा कहलाएगी, ये 20 है, 20 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 20। तो यहाँ पे हमारा अगला कॉलम बन सकता है, अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा वर्ग लंबाई का। जैसे हमारा पहला वर्ग दिया गया है 0 से 20, दूसरा 20 से 50, तीसरा 50 से 70, आगे का 70 से 90, 90 से 100 दिया गया। अब इससे अगर हमें इसकी वर्ग लंबाई ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20 माइनस 0 इक्वल हो जाएगा हमारा 20। वापस उर्ध सीमा इसकी है 50, 50 माइनस आधा सीमा है 20, 50 माइनस 20 करेंगे आ जाएगा 30। फिर यहाँ पे हमारा 70 है, 70 माइनस करेंगे आधा सीमा इसकी है 50, बराबर आ गया हमारा 20। फिर और आगे सॉल्व करेंगे तो 90, 90 माइनस हो जाएगा हमारा 70, बराबर हो जाएगा 20। और यहाँ पे है हमारा उर्ध सीमा 100 है और ये हमारी आधा सीमा 90 हो जाएगी, इक्वल आएगा 10। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे जितने भी मान दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 पांच वर्ग दिया गया है तो इसकी पांचों की वर्ग लंबाई 1, 2, 3, 4, 5 पांचों की वर्ग लंबाई हमारी यहाँ पे लिख दी गई है, या वर्ग लंबाई हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं जैसे कि अपने को 10वीं क्लास में इसके बारे में बताया गया होगा। कहीं भी कोई भी संख्या दी होती है तो उसकी आवृत्ति भी साथ में दी जाती है, लेकिन फिलहाल आवृत्ति का यहाँ पर आवृत्ति की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। अगर अपने को वर्ग लंबाई मतलब ये दोनों टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो वर्ग लंबाई सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को यहाँ पे क्या कहा जाता है, जैसे पहले वर्ग की सबसे बड़ी संख्या होगी 20, सबसे छोटी संख्या होगी 0, तो इसको कहेंगे उर्ध सीमा, इसको कहेंगे आधा सीमा। और ये हमारा आगे का अगर टॉपिक दूसरा, अगर हमारा दूसरे वर्ग में देखा जाए तो दूसरे वर्ग के लिए 50 हमारा बनेगा उर्ध सीमा और 20 बनेगी आधा सीमा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे वर्ग लंबाई का कॉलम कंप्लीट किया। अभी इसके बाद अगर हमें मध्य मूल्य ज्ञात करना हो, अगर हमें मध्य मूल्य ज्ञात करना हो तो वापस जो मैंने बताया अभी इसके पहले ही कि अपने को चाहिए उर्ध सीमा और आधा सीमा, अपने को क्या चाहिए उर्ध सीमा और आधा सीमा, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है मध्य मूल्य बराबर उर्ध सीमा प्लस आधा सीमा पूरे के बटे में 2, मतलब दोनों सीमाओं को जोड़ करके, ये हमारी आधा सीमा और उर्ध सीमा दोनों को जोड़ करके अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा निकल आता है मध्य मूल्य। जैसे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 20, इसकी उर्ध सीमा होगी 20 और आधा सीमा 0 बटे 2,
20 में जीरो अगर जोड़ा जाएगा तो 20 ही होगा और बटे दो हमारा आ जाएगा 10। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा हमारी ऊर्ध्व सीमा क्या होगी 50 और इसकी अधा सीमा क्या है 20। 50 प्लस 20 होगा हमारा 70, 70 बटे दो बराबर आ जाता है 35। और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी हमारी जो ऊर्ध्व सीमा है वो अगले के लिए है 70 प्लस अधा सीमा जो है वो है 50 बटे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा हुआ है 50 और 70 होता है 120, 120 बटे 2 आ जाएगा हमारा 60। फिर और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो ऊर्ध्व सीमा है वो है 90 और उसकी अधा सीमा है 70 बटे 2 बराबर हो जाएगा 9 और 7 16, 160 होगा। 160 बटे 2 यहाँ पे कर सकते हैं, 160 बटे 2 कितना आ गया हमारा 80। यहाँ पे इसको प्लस करके भी देख लेते हैं, बड़ी संख्या है इसलिए यहाँ पे हम प्लस करके भी देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0, 9 और 7 होता है 16, 160 बटे हो जाएगा 2 इक्वल आ गया 80। अभी यहाँ पे हम आए 100, हमारी जो ऊर्ध्व सीमा है ऊर्ध्व सीमा हमारी 100 है और अधा सीमा है इसकी 90 अपॉन हो जाएगा 2 इक्वल। यहाँ पे देखते हैं 100 में 90 प्लस हुआ, यहाँ पे 100 प्लस 90 ये हो जाएगा 0, 9, 190, 190 बटे हम लिख सकते हैं 2, 190 बटे अगर 2 लिखा जाएगा तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 2 का पारा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 19 था, 19 में से 18 माइनस किया कितना आया 1, 1 0 के साथ लगा हो गया 10, 2 पंचे 10 ये हमारा आ जाएगा 95। इस प्रकार से हम दो मूल्य मतलब वर्ग लंबाई और मध्य मूल दोनों यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। वो कहाँ से ज्ञात हो रहे हैं, वर्ग से। ये दोनों मान अगर हमको ज्ञात करने हैं तो उसके लिए हमारे पास वर्ग का होना जरूरी होता है। जब तक हमारे पास वर्ग नहीं होता है तब तक हम उसके वर्ग की लंबाई नहीं बता सकते हैं, ना तो उसका मध्य मूल्य बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में ऊर्ध्व सीमा और अधा सीमा का होना जरूरी होता है। जब ऊर्ध्व सीमा और अधा सीमा होती है तभी हम वर्ग लंबाई अथवा मध्य मूल्य ज्ञात कर सकते हैं।